और टोटल स्मार्ट कार्ड वगैरह सारी फीस लगा के टोटल जो मेरे मैंने पे किया है यहाँ पे ऑनलाइन। ये गाड़ी ना मुझे बहुत महंगी पड़ चुकी है जितने की खरीदी थी उसके ऊपर से उससे आधा तो लगा दिया मैंने। काम हो गया है डन, डन मतलब नंबर उम्बर सब मिल गया है, नंबर भी अभी बताएंगे बाद में, और खर्चा भी मोटा आया है। और जी ये चेंज कराना इसलिए जरूरी था क्योंकि गाड़ी मेरी कर दी थी डीरजिस्टर्ड, मैंने ऑलरेडी शायद बताया था। सो गुड आफ्टरनून गाइज, वेलकम बैक टू चैनल एंड होप करते हैं सभी बढ़िया होंगे। तो जी दोपहर का टाइम है, पूरे 2:45 बज रहे हैं और मैं निकल रहा हूँ अभी आरटीओ ऑफिस। आज एक्चुअली फीस वगैरह जमा करनी है आज, तो उसी के लिए जा रहा हूँ। देखते हैं क्या फीस जमा होगी, कितनी होगी, वही सारा जाके वहाँ पे एक बार पता करते हैं क्या बता रहे हैं भला। तो चलते हैं, और गर्मी अभी इस टाइम पे तो भाई काटने वाली हो रही है, बहुत ज़्यादा विकट गर्मी हो रखी है। तो चलते हैं, पहले चल के देखते हैं भाई फीस वगैरह कितना है, जो भी है वो पे करके आज, और शायद फिर इस हफ्ते में इसका रजिस्ट्रेशन इधर का मिल जाए, शायद नंबर तो एटलीस्ट मिल ही जाएगा। आरसी वगैरह लेट आएगी आई थिंक, हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लेनी है मुझे तो वो भी लेट आएंगी शायद थोड़ा सा। तो सारा कुछ पता कर लेते हैं क्या क्या चार्जेस लग रहे हैं और सबके। दोपहर वाला टाइम ना बड़ा, एक तो इस टाइम पर सुस्ती बहुत आती है, कहीं जाने का मन नहीं करता। ये 2 बजे 3 बजे मुझे ना हल्की नींद आती ही आती है। निकल जाने भाई, अंदर लेके जाएगा शायद, इसीलिए स्लो था। तो इस टाइम पे ना सुस्ती सी आती है, पर ठीक है चलो। तो बोला था कि शाम में आना, उस टाइम भीड़ कम होती है इस टाइम पे, तो आराम से आप आ जाना उस टाइम पे। मॉर्निंग में आते हैं तो मॉर्निंग में क्या है ज़्यादा रस रहता है तो टाइम लगता है फिर, तो मैं कहा चलो ठीक है भाई शाम में चलते हैं। चलो जी, कुछ ऐसा हो रखा है साउथ गोवा अपना, भीड़ भाड़ है थोड़ी है, उतना नहीं है क्राउड, ट्रैफिक भी मिलेगा आपको पर उतना नहीं मिलेगा, गर्मी मिलेगी। अब गर्मी बढ़ने पर ही रहेगी जैसे जैसे ये एंड होगा और आगे मार्च आएगा, तो फिर आपको गर्मी डे बाई डे एक्स्ट्रा मिलेगी। तो जी फिलहाल निकल रहा हूँ मैं वापस, और काम हो गया है डन, डन मतलब नंबर उम्बर सब मिल गया है, नंबर भी अभी बताएंगे बाद में, और खर्चा भी मोटा आया है। तो अभी घर चल के बताता हूँ क्योंकि अभी रास्ते में बताने में मज़ा नहीं आएगा। वैसे सब कंप्लीट हो गया, इधर का गोवा का नंबर मिल गया एंड टू एंड अभी, और आरसी अभी आएगी एड्रेस पे बाय पोस्ट, बाकी उन्होंने एक जो लोकल आरसी होती है वो दे दी है। फिलहाल पहले चलता हूँ, टाइम लग गया मुझे लगभग 1.5 घंटा 2 घंटा हो गया था। एक दो डॉक्यूमेंट और मांगे थे उन्होंने, पैन कार्ड वगैरह ये सब चीज़ें, वो दे के और फाइनल हो गया अपना ये काम। टाइम लगा लगभग 1.5 महीना लग गया, 1.5 महीने मान के चलो लगभग। ये लगाई थी मैंने फाइल लगभग जनवरी 12 या 13 को, 13 या 14 जनवरी को लगाई थी, तो आप उसके हिसाब से देख लो जी आज कितना 26 है, तो 1 महीना और लगभग 10 दिन में ये काम मेरा हो गया डन। थोड़ा सा बस डॉक्यूमेंट वाला टाइम लगा था थोड़ा सा शुरू में उस वही एक बार कंप्लीट होने में टाइम लगा था, और वो कंप्लीट हुए तो उसके बाद से फिर सब काम एकदम स्मूथली हुआ, और जो फीस थी केवल वही मैंने पे करी है, उसके आगे एक पैसा अभी किसी को कहीं नहीं दिया मैंने। जो एजेंट है उनको देना है, उन्होंने फॉर्म वगैरह भरा था शुरू में, तो उनका जितना भी बनता है वो मैं दूंगा, क्योंकि भाई फॉर्म वगैरह भरा था, स्टार्टिंग प्रोसेस की उन्होंने की थी, बाद में फिर मैंने अपने हाथ में ले लिया जब हर चीज़ के लिए मुझे जाना पड़ रहा था, तो इसलिए तो उनका जो भी बनेगा आज जाके उनसे पूछ लूँगा जी। और चलते हैं पहले घर, फिर बताता हूँ आपको क्या फीस क्या चार्जेस लगे, किस चीज़ का कितना चार्ज लगा, टोटल कितना टैक्स वैक्स कट के यहाँ पे इन्होंने दिया है मुझे, पूरी स्लिप उलिप उन्होंने दी है बना के। अभी यहाँ पे हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाला भी ढूंढना है मुझे, क्योंकि मुझे ना ये वाली प्लेट नहीं लगवानी यहाँ पे, जो है कंपलसरी नहीं है हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट, तो हर जगह नहीं मिलता है। अब कानकोड़ में कोई करता था रहता था पहले, जिसके पास ये ठेका टाइप होता है एक्चुअली हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट का। वो भाई साहब बीच में चल रहे हैं बिल्कुल, तो पता नहीं इधर वो काम ज़्यादा नहीं था उस पर,
तो इसलिए वो उसने जो है कहीं अलग शिफ्ट हो गया, पता करेंगे, क्योंकि कंपनी वाले शोरूम वाले जहाँ से बनवाते होंगे ना, तो उनका वो कहीं से तो बनवाते होंगे, वहीं मैं अप्लाई कराऊंगा, जहाँ से भी शोरूम वाले बनवाएंगे, तो वो जाके शोरूम वगैरह में किसी में भी पता करूंगा या फोन करके पता कर लूंगा। ओए गायें जा रही हैं चुगने जी, अब शाम के टाइम, ये भी दोपहर में अपना आराम करके शाम को चुगती हैं फिर जाके। अब किधर से निकालूं, ऐसे टेढ़ी टेढ़ी निकालनी पड़ेगी, और कोई इलाज नहीं है गाय का, तो इनसे बच के निकालना पड़ता है भाई, टैक्सी वाला बहुत जल्दी, मैं निकल जा जा उड़ जा, उड़ गया जी उड़। तो जैसे ही नया नंबर मिला ना मेरे पास मैसेज आया, और मैंने जैसे ही चेक किया ना, ये एम परिवहन पे मैंने सारा डेटा जैसे अपलोड रखता हूँ इसका गाड़ी का, तो उस पर जैसे ही मैंने चेक किया सारा डेटा उड़ गया, पीछे वाला जो HR नंबर से था, कुछ नहीं सो हो रहा था, 2 सेकंड पहले तक सो हो रहा था, और उसके बाद में सब एकदम गायब। तो अब उस पर वही फिल करके रखना है, क्योंकि मैं ज़्यादातर उसी को यूज़ कर लेता हूँ, जैसे यहाँ पे लोकल में रोज तो RC लेके हम नहीं घूमते, तो इसलिए मैं उसको ज़्यादा यूज करता हूँ। और जी ये चेंज कराना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि गाड़ी मेरी कर दी थी डीरजिस्टर्ड, मैंने ऑलरेडी शायद बताया था, तो बहुत से लोग कह रहे हो सोच रहे होंगे पता नहीं क्यों कराया, तो 10 साल के बाद फरीदाबाद से डीरजिस्टर्ड हो गई थी, और वो मुझे ना कहीं भी परेशान कर सकती थी, पुलिस वगैरह कोई भी परेशान कर सकता था कि डीरजिस्टर्ड गाड़ी चला रहे हो आप, जो रजिस्टर्ड ही नहीं है आप, और फरीदाबाद में तो इसलिए मुझे ये ज़रूरी था, वो ऑनलाइन ना डीरजिस्टर्ड दिखा रही थी, तो इसलिए ये जो काम मेरे लिए बहुत ज़रूरी हो गया था कि भाई गाड़ी रखनी भी है मुझे, गाड़ी सेल भी नहीं करनी, और रखनी है तो फिर क्यों ना प्रॉपर प्रोसेस रखा जाए। वैसे ये गाड़ी ना मुझे बहुत महंगी पड़ चुकी है जितने की खरीदी थी उसके ऊपर से, उससे आधा तो लगा दिया मैंने इसमें, खैर मेंटेन करने में, और अब ये जो रजिस्ट्रेशन वाला काम है इसमें ही मोटा खर्चा लग गया भाई मेरा अगर मैं NOC भी जोड़ूँ ना इसमें तो और भी लंबा बैठेगा लगभग, तो ये समझ लो 50 के आसपास तो पहुँच गया, 50 से ऊपर पहुँचेगा, NOC लगाया तो 60 के आसपास पहुँच जाएगा चलो मैं भी पहुँच गया घर, बातें करता करता ऐसे ही तो जी घर आ गए, और फाइनली जो ये एक इम्पॉसिबल सा काम था हमारा ये हो गया है मतलब इम्पॉसिबल लग रहा था, अगर खुद से करने लगा था तो फिर मुझे ये लग रहा था कि यार पता नहीं क्या क्या झंझटें आएंगी, पर आई नहीं, मतलब सॉर्ट आउट करते गए। 1 महीना और लगभग 12 दिन टोटल इस प्रोसेस में मुझे लगे, और 1 महीना 12 दिन के अंदर आज 26 तारीख को मेरे पास आ गया इसका नंबर भी, GA10 तो फाइनली यहाँ का नंबर मिल गया है, और रिवील करूंगा जैसे इस पर नंबर चेंज कराऊंगा, अभी प्लेट वही लगवानी पड़ेगी अभी तो सिंपल वाली, बट हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट का भी मैं जो है यहाँ पे अप्लाई करूंगा उसके लिए। तो फिलहाल जो फीस लगी है मैंने जैसे कि बताया था कि घर जाके बताता हूँ आपको, तो जी वो टोटल लगी है मेरी, जो टोटल खर्चा हुआ है यहाँ पे RTO के अंदर 48,400 मान लो आप, 394 है तो पूरा 48,400 का खर्चा आप यहाँ पे मान के चलो, और लगभग 2000 के आसपास मान के चलो ये रेंट एग्रीमेंट और जो छोटे मोटे एफिडेविट ये वगैरह बनवाने में 2000 के आसपास वो मेरे यहाँ पे लगे थे। तो और अगर NOC का भी आप जोड़ना चाह रहे हो तो 6000 आप मान के चलो NOC के लगे थे, उसका कोरियर का चार्जेस वगैरह अलग है, तो लगभग 6000 के आसपास NOC का खर्चा आया था, तो टोटल 56,000 रुपये में ये जो है लगभग इधर हो गई है। हाँ तो लंबा पड़ गया वैसे, तो खर्चा बतेरा ऊपर गया है, टैक्स वैक्स इन्होंने जो लिया है वो मतलब 5 साल का लिया है, और 44,814 टैक्स बैठ रहा था इनका, बाकी उसके अलग न्यू रजिस्ट्रेशन फीस हो गई, इशू डुप्लीकेट RC की फ़ीस हो गई 300 रुपये, चेंज एड्रेस हुआ RC पे तो उसकी फ़ीस हो गई 300 रुपये, और रीअसाइनमेंट हो गया तो वो पूरा उसका जो है 600 रुपये एक लगी है, और 1500 रुपये जो न्यू उसका RC की फ़ीस है, तो कुछ इन्होंने बताया था कि वो 1500 रुपये लगेगी, और टोटल स्मार्ट कार्ड वगैरह सारी फ़ीस लगा के टोटल जो मेरे मैंने पे किया है यहाँ पे ऑनलाइन 48,394। तो जी ये अपना जो है टोटल इतने खर्चा बैठा है यहाँ के RTO पे, और बाकी एक कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्या चाहिए होते हैं, कैसे आप कर रहे हो, तो प्रोसेस क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, वो मैं मोटो बिल्स पे रखूंगा स्पेशल। हाँ,
क्योंकि उसमें ना बहुत लंबा प्रोसेस होता है और आप ना एक तरीके से एक पॉइंट ऐसा आता है ना जब आपको लगता है क्या झंझट पाल लिया, हाँ छोड़ो ऐसे, पर घबराने की बात नहीं है, आप कर लोगे। अगर आपको थोड़ी सी भी जानकारी है ना, थोड़ी भी चीजों का पता है, तो आराम से आप कर सकते हो। कोई उसमें ये नहीं है कि भाई आपको वहां से देखो भगा नहीं सकते। जो काम कर रहे हैं वो पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं, आपको ये नहीं कह सकते कि नहीं हम आपका काम नहीं करेंगे। हाँ आपको परेशान करेंगे, बस के ये चीज कर सकते हैं कि एक डॉक्यूमेंट के लिए आपको दो बार तीन बार बुलाएं, दो तीन बार उसके लिए घुमाएं, या तो, बार बार करके डॉक्यूमेंट बताएं कि अभी हाँ, ये अभी ये रह गया, हाँ, तो पूरे करके देते जाओ। हाँ तो थोड़ा सा बस यही है कि टाइम लगता है। अच्छा देखो उसका ना अभी मेरी जो है अभी मेरी जो एक जो फीस जानी है वो एजेंट की जानी है, तो बाकी वहाँ पे मैंने एक भी पैसा किसी को नहीं दिया है। और जैसा कि लोग बहुत कहते हैं कि हाँ, आरटीओ में बड़े पैसे देने पड़ते हैं, सब कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। और इवन दो जा आके सबसे हेलो हाय हेलो और थैंक यू बोल के मैं अपना लेके आ गया हूँ नंबर भी। और जैसे एंड पॉइंट पे देखो हमारे साथ हो रहा होता है, जैसे हमसे वो बार बार डॉक्यूमेंट मांग रहे होते हैं तो हम वो पॉइंट पे फ्रस्ट्रेट हो रहे होते हैं, हाँ, तो हम ना चीजों को नेगेटिवली भी लेते हैं। बट जब आप आराम से बैठ के सोचोगे ना तो उसके पीछे के रीजंस हैं कि वो बार बार आपसे डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन क्यों मांगते हैं, क्योंकि आपको पता है कितने फ्रॉड होते हैं, लोग कितने फ्रॉड करते हैं। अब भी तो मतलब हमारे जानने में ये फ्रॉड हो चुका है, तो हम इसलिए उसके बारे में डिटेल में हम बात नहीं करते, पर हाँ मैं जानती हूँ कि फ्रॉड हुआ है, तो इसलिए वो भी थोड़ा अपनी तरफ से श्योर होना चाहते हैं और उनका भी ऑडिट होता है तो उसके लिए भी वो श्योर होना चाहते हैं। बिल्कुल, तो जी टोटल ये खर्चा आ गया, वैसे काफी महंगी पड़ रही है सफारी मुझे धीरे धीरे, पर चलो कोई नहीं। अभी क्या है फायदा ये है, अभी मैं इसको 5 साल कोई टेंशन नहीं है, आराम से चला सकता हूँ, डी रजिस्ट्रेशन वगैरह कोई टेंशन नहीं मुझे इधर। और इधर अभी जो है वो रूल भी है कि आप 5 साल और एक्सटेंड कर सकते हो, हाँ, तो 5 साल तक अगर वो रही तो पासिंग कराएंगे और नहीं रही तो फिर देखेंगे तब का तब। और चलो एक ये मुझे मतलब बड़ा काम था, इसलिए मैं आज थोड़ा ज्यादा खुश हूँ कि जो तो, मेरा अच्छा, कम्प्लीट हुआ। अच्छा अच्छा, कोई सब्सक्राइबर आए हुए हैं तो मैं उनसे मिल लूँ पहले। चलो तो जी इस नंबर से अब आप सर्च मारोगे तो इस नंबर से गाड़ी नहीं दिखेगी आपको, ये अब गाड़ी दिखेगी जीए के नंबर से। वो नंबर भी अभी जल्दी आपको बता दूंगा मैं, लगवा करता हूँ जैसी नंबर प्लेट, हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए मैंने ऑर्डर कर दिया है। और बाकी एक ये स्टिकर भी चाहिए होगा मुझे चेंज नंबर के साथ में। सो गाइस शाम हो गई है, एंड होप करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा जी। खर्चा मोटा होता है तो वीडियो ज़्यादा अच्छा लगता है आपको, मुझे अच्छा ही लगता मगर। तो चलो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करके बताना, बाकी जल्दी इसका नंबर भी मैं आपको बताऊंगा। तो नंबर तो पता चल ही जाता है वैसे भी, कितना ही छुपा लो उसमें कुछ ऐसा है नहीं, बट मैं जल्दी रिवील कर दूंगा न्यू नंबर और अच्छा नंबर मिला है। मतलब मैं ये नहीं कहूँगा बहुत VIP नंबर लिया मैंने, नहीं लिया VIP वगैरह, पर ठीक है मुझे नंबर मेरी पसंद का मिला, वो अच्छी चीज़ है। तो चलो होप करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करके बताना, सब्सक्राइब करना चैनल अगर अभी तक आपने नहीं किया है। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।